अस्सलामुअलैकुम जी। थोड़ा एहसास है कि पिछले सारे सेशन में जब मैं नहीं था तो आप तमाम मौजूद थे, तो उसमें यकीन तमाम इश्यूज पर बात हुई होगी। शायद मेरा लिमिट से ज़्यादा बात करना हो, बातों को दोहराना ही हो। बिशरपुर फोरम की जो जद्दोजहद है वो यकीन बहुत से लोगों तक पहुंच चुकी मीडिया के ज़रिए और हमारी जो पार्टनर साथी NGOs हैं उनके ज़रिए। बात अगर बहुत वाजे और आसान हो, हम लोग विक्टिम ऑफ पॉलिसीज हैं। इस मुल्क में जो पॉलिसियां बनती हैं हम उसके शिकार हैं, और जो पॉलिसियां नहीं बनी उनके शिकार हैं। अब पॉलिसी क्या बनाई गई कि इस मुल्क के जमीनों को सैराब करना है, उसके लिए डैम्स बनाए जाएं, बैराजेस बनाए जाएं, और जहां जहां पानी के रिजर्वर बनाए जा सकते हैं, पानी को जखीरा किया जा सकता है, वो किए जाए। ब्यूरोक्रेसी ने और नाम न्याद एक्सपर्ट्स लोगों ने कैसे उसको कैलकुलेट किया कि कहीं 9 लाख एकड़ जमीन सैराब करने के लिए सिंध के सिर्फ 2 जिलों की 22 लाख एकड़ जमीन समंदर में डुबो दी। सजावल पुल जो किसी जमाने में इसीलिए बना था कि दरिया सिंध जोरों पे था, आज उसके नीचे समंदर का पानी। ये पॉलिसी के मुतासरीन है। आप देखें कि फिशरीज सेक्टर में पॉलिसी के भी मुतासरीन है, और जहां पॉलिसी नहीं उसके भी मुतासरीन। इस मुल्क के में मजमूई तौर पर कोई फिशरीज पॉलिसी नहीं जिसके नुकसान इतने ज्यादा हैं कि दिन ब दिन फिशिंग सेक्टर में दबाई आती जा रही है। और रिसेंटली अगर कैलकुलेट करते हैं, कोई सरकारी एदाद शुमार तो नहीं, ना सरकार को कोई जरूरत महसूस होती है कि इस तरफ कोई सर्वे करे, कोई रिसर्च करे, कोई फिश स्टॉक सर्वे करे। हमारे अपने कैलकुलेशन और कम्युनिटी के फायदे और नुकसान को मद्देनजर रखते हुए जो अंदाजे हैं कि वो 70% मछली और झींगे की पैदावार कम हो, उसको हम लोग इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि पहले एक बोट जो सुबह से शाम, सुबह समंदर में जाके शाम को वापस आता था, वो इतना ही कैच लाता था जितना आजकल उसे 10-12 दिन लगते हैं। उसमें उसके खराजात में बेताशा इजाफा हुआ, जहां कोई पॉलिसी नहीं कि इस मुल्क में एक पिछली पॉलिसी होनी चाहिए थी जिसमें मछली और झींगा शिकार करने के हुकूक किसके पास होने चाहिए वो होनी चाहिए थी। इस मुल्क में कोई फिशरीज पर कोई ठेकेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उसमें वो बात ऐड होनी चाहिए थी। कैसे बेहतर और पायदार तरीके से मछली और झींगे का शिकार करें कि वो आइंदा की नस्लों तक भी बचे, और ये जो रोजगार का जरिया है वो शायद बहुत कदीम जरिया है, और आगे चलकर भी जब शहरों की आबादियां बहुत ज्यादा बढ़ जाए, खुराक की किल्लत हो जाए, तो ये जो दरिया, झील और समंदर है ये बाकी लोगों के गिजा की जरूरत को पूरा करे। इस किस्म की कोई पॉलिसी नहीं। फिर इस मुल्क में पानी या सेवेज या वास्ट जो भी शहरों का पुजला हो, गंदा पानी हो, उसके साथ क्या किया जाए वो अभी तक पॉलिसी है ही नहीं। वैसे तो सारे मुल्क का जो गंदा पानी है, जो फैक्ट्री का वास्ट है या जो फ्लोटिंग गार्बेज है, वो किसी ना किसी तौर पर दरिया और झीलों के जरिए समंदर तक पहुंच जाता है। लेकिन खुद अगर हम कराची जैसे बड़े शहर को ही काउंट कर लेते तो वहां पर कुछ अंदाजा है, कुछ 32 करोड़ गैलन सेवरेज का पानी डेली समंदर में बगैर ट्रीट के डिस्चार्ज होता है। और एक साहिल समंदर से कोई 2-3 किलोमीटर तक एक गटर के पानी की लाइन बनी, यानी आप मनोड़ा, क्यामाड़ी और यहां से कराची फिश हार्बर से जो माइग्रों के जो जजायर हैं वहां तक अगर पहुंचेंगे तो लॉन्च में कोई
आधा घंटा या पौने घंटा लग जाते हैं। आप देखेंगे सिवाय सेवज के पानी और कुछ भी नहीं, सारा गटर का गंदा पानी। उसके जो नुकसान थे साहली इलाकों में या जमीन के साथ साथ जो कम गहरा पानी है उसमें जो मछली और झींगे की नस्लों की पैदा होती है, उनके ब्रीडिंग होती थी, वो बिल्कुल तबाह हो गई। कराची के अंदर ही जो देहात के इलाके हैं, जिसे अगर कराची शहर के या शायद बाहर के लोगों के लिए वो तफरी मकामात होते हैं, पिकनिक पॉइंट होते हैं, खासतौर पर ऑक्सबे का जो सारा एरिया है, मारीपुर को क्रॉस करने के बाद कोई 40 किलोमीटर का इलाका है जहां आखिरी जो गांव है मुबारक विलेज, उसके बाद अब पावर प्रोजेक्ट शुरू होता है, बीच में अब नदी गुजरती है, इस तरफ सिंध सुबह उस तरफ बलूचिस्तान है। इस पूरे पट्टी में पीने का कोई पानी का निजाम नहीं है। पाकिस्तान का जो एटमिक पावर प्लांट है वो वहीं पर है, लेकिन वो आसपास के देहात में बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, और मुश्किल से कोई 2-3 डिस्पेंसरियां हैं जो एक गांव से इतने दूर है जैसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के, कोई सिर्फ उसी गांव के लोग उसमें जा सकते हैं, बाहर के नहीं आ सकते, और वहां पर भी कोई दवा नाम की शय मौजूद है। लोग खुद कहते हैं और खुद हमारा बचपन का एक्सपीरियंस है कि हम लोग अब्दुर्रहमान गोट या मुबारक विलेज में जाते थे तो बहुत इजी होता था कि वो जाके वो जाल, कोई बच्चे को कहते हैं जाओ मछली पकड़ के लाओ, तो 15-20 मिनट में वो मछली लेके आता और घर में वो उसकी सालन बना देते। आज सूरत हाल ये कि उनके लिए जो ना वो सब्जी या मछली कराची शहर से जाता है, यानी पैदाइशी तौर पर जो माहिगीर है वो मछली पकड़ के खा नहीं सकता उस एरिया में, ये सब गटर के पानी की वजह से हुआ। उसी फिशरीज पॉलिसी के ना होने के जो नुकसान आते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेट्स, जो नुकसानदेह जाल लोगों ने बनाए जिस ओवर फिशिंग की, उसके असरात भी इस सब जगह नुमाया है। और फिर बहुत ताजुब की बात है कि कुछ भी नहीं है, फिर जो ना सिर्फ और सिर्फ गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक डीप सी ट्रॉलर फिशिंग पॉलिसी बनाई गई। एफओ ने 1982 में फिश स्टॉक सर्वे किया, उसके बाद उसने अपनी रिपोर्ट जारी की कि पाकिस्तान के सारे इलाकों में बहुत व्यापक मिकदार में मछली मौजूद है जिसको डिप्लीशन नहीं कर सकते, जिसको वो पकड़ नहीं सकते, पाकिस्तानी माहीगीरों में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी सलाहियत नहीं है कि वो सारी मछली और झींगे का शिकार करें, तो लिहाजा उस पर डीप सी ट्रॉलर्स को लाइसेंस जारी किए गए। अब यहाँ ये बहुत शक गुजरता है कि क्या अक्वाम मुत्तहिदा के जो इदारे हैं वो भी दुनिया के जो कैपिटलिस्ट हैं, जो सरमायादार हैं, उनके मफादात को सर्व करते हैं, उनके पेवर में पॉलिसियां बनाती हैं। डीप सी फिशिंग ट्रॉलर्स धंधलाते फिरते हैं पूरे समंदर में। मैं आपको उसकी एक छोटी सी आप मिसाल देख रहे हैं कि अगर चाइना से कोई डीप सी फिशिंग ट्रॉलर है, डीप सी फिशिंग ट्रॉलर के बारे में थोड़ी बता दो कि ये काफी बड़े किस्म के बोट होते हैं जिनको हम लोग फैक्ट्री शिप ट्रॉलर भी कह सकते हैं, ये जहाज टाइप के होते हैं, इनके अंदर स्टोरेज का बहुत बड़ा की गुंजाइश होती है, इनके जो जाल होते हैं मछली पकड़ने को कोई 1 से 3 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। अच्छा, मछली पकड़ने के दौरान इनके समंदर के जो सिस्टम है उसको नुकसान देने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जब मछली और ये शिकार करते हैं तो वो टनों के हिसाब से होता है, तो वो पूरा जाल जाके समंदर के बेल्ट में जमीन पे बैठ जाता है, फिर वो रगड़ता हुआ जाता है, उसमें जो सदियों हजारों सालों से जो घास फूस पनोरा जो उगे हुए जंगली जो आयात है समंदरी, वो सब तबाह हो जाती है। फिर ये इनके जो नुकसान आते हैं वो सारी मछली जब ये अपने लांच पे जहाज पे चढ़ाते हैं तो उसमें उनको एक मछली सिलेक्ट करनी है, जैसे उन्होंने रिबन फिश सिलेक्ट करनी है, रिबन फिश शायद उसको मकामी जबान में चिंद मछली कहते हैं हम लोग,
उसको सिलेक्ट करके बाकी 90-95% जो मछली होता है वो जो हमारे इस्तेमाल के लिए होता है, हमारे खाने के लिए होता है, वो वापस समंदर में फेंक देते हैं। उसके जो दो वाजे नुकसान होते हैं, एक तो आलूदगी फैलती है, दूसरा ये कि हमारे जो खाने की मछली है वो समंदर में जाया हो जाती है। तो ये पॉलिसी इनको तौफी की हुई कि ये डीप सी ट्रॉलर की पॉलिसी बनाए, उनको लाइसेंस जारी करें, उनको समंदर से 35 नॉटिकल माइल का दिया उन्होंने। लेकिन पॉलिसी साजों को ये सोचना चाहिए कि जब आप 35 नॉटिकल माइल को जाएंगे तो वहाँ कोई रिबन फिश नहीं मिलेगी, रिबन फिश तो आपको साहिल से 2-3 किलोमीटर पर मिलेगी। तो ये पॉलिसियाँ भी साजिश के तहत बनाते हैं। इसी फिशरीज पॉलिसी के ना होने की वजह से आप देखें सूबा सरहद का जो दरियाओं और नालों में जो मछली शिकार का एक तरीका था वो बिल्कुल तबाह हो गया। लोग पिकनिक मनाने के नियत से जाते हैं और जनरेटर साथ ले जाते हैं, पानी में करंट वायर जो है करंट छोड़ते हैं जिस सारी मछलियां मर जाती हैं और पकड़ के ले जाते हैं। और खुद वहां के जो बासर लोग हैं वो दरिया में बारूद डाल देते हैं, बारूद के ब्लास्ट से मछली के दिल फेफड़े वो फट जाते हैं, सारी मछलियां मर के ऊपर आ जाती हैं, फिर उसका शिकार करते हैं। नस्ल खुशी की हत्या, इससे शायद दुनिया में नस्ल खुशी की कोई और सूरत अलग में देखने में नहीं आई। मैं शायद रिपीटेशन ना करूं। अब पाकिस्तान फिशर फोरम जो बनी उसके बुनियादी मकासद थे कि इस मुल्क में माहीगीरों को इस काबिल बनाना कि वो अपने मकासद अपने हकूक की जदोजहद के लिए सामने आए, थोड़ा एम्पावरमेंट हो, फ्यूचर की खुशहाली के लिए कोई लायमल तैयार करें। और एक बात जो शायद हम पॉलिटिकल वर्कर से जो हमने सीखी वो ये थी कि भीख में कोई चीज़ मिलने वाली नहीं। तो इस मुल्क में कोई चीज़ हासिल करना हो, इस मुल्क की जो सियासी पार्टियां हैं उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं की जा सकती। जिन लोगों के मसले उनको खुद इतना पावर होना चाहिए, उनकी अपनी आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि इस मुल्क की सियासी पार्टियां, इस मुल्क के दानिश्वर, इस मुल्क का मीडिया उनको उनकी अहमियत को समझे, उनके उनकी आवाज को अपनी आवाज में शामिल करें। तभी इस मुल्क में जो निचले तबकाते हैं, जो मार्जिलाइज कम्युनिटी है, और खासतौर पर माहीगीर के हवाले से इसीलिए बता दो कि पिछले आप पूरे पाकिस्तान की तारीख में देखेंगे कि माहीगीरों की कोई बड़ी मूवमेंट इस मुल्क में नहीं चली, और जो सिंध सबसे बड़ी आबादी रखता है वहाँ भी उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई। तो 98 को हमने दोस्तों ने सारे कम्युनिटी के लोगों को बुला के जो मुश्तरक तौर पर तमाम लोगों की राय से ये जो फैसला आया वो ये कि माहीगीरों की तंजीम होनी चाहिए जो सारे मसाइल को हैंडल करें। तो पाकिस्तान फिशर फोरम का वजूद आया। अब पॉलिसी नहीं है तो फिर क्या है? फिर जिसके पास जितनी ताकत है, जितना गुरूर है, वो वैसे ही बर्ताव करता है। सिर्फ बदीन में पिछले 30 सालों से रेंजर्स बगैर किसी वजह के वो वहां कब्जा किया हुआ था, उसने उन्होंने जगहदारी शुरू की हुई थी। पाकिस्तान के आईन के किसी भी हिस्से में ये बात नहीं कि कोई फोर्स जो आवाम के टैक्सों से जिसको तनख्वाह मिले वो कोई जगहदारी करे, वो किसी देन को ऑक्यूपाई करे, को कब्जा करे, ये कहीं नहीं। पाकिस्तान फिशर फोरम ने पिछले 4 साल से बदीन में काम शुरू किया। कोट अली मोहम्मद मल्ला वो पहला हमारा स्टेशन था बदीन में जाम ने पाकिस्तान फिशर फोरम की बुनियाद रखी। कासम मल्ला बदीन के मेरे साथी हैं, यानी जब हमने बदीन में काम शुरू किया तो बड़े बड़े साफी दानिश्वर इवन पुलिस वाले आके कहते खुदा के लिए आप चले जाइए, तो बहुत खतरनाक काम आप कर रहे हो। यानी कोई बोलने को तैयार नहीं था, इतना खौफ डर था उधर। लेकिन पाकिस्तान फिशर फोरम ने सोचा कि इस डर और खौफ को निकालना चाहिए। एक बात जो हमने सीखी वो ये कि खौफ और डर का होना इंसान की सबसे बड़ी तजलील है। इंसान सदियों से, हजारों सालों से इस खौफ के साए जीता रहा,
कभी वो मजहब के नाम से थे, कभी वो हुक्मरानों के नाम के थे, कभी रियासतों के नाम के थे। तो अब जदीद इस दौर में अब भी अगर इंसान खौफ और डर के सारे जीता रहे तो वो यही बात है कि वो करुण अवस्था में ही रह रहा हो, उसको जदीद 21वीं सदी से कोई आशनाई नहीं। तो मुझे यकीन है कि बहुत सारे पिछले मुझे दोस्तों ने बताया कि बदीर के मसले पर साथियों ने बात की है, तो उसको मैं आपको तफसील बात नहीं करूंगा। फिर आप देखें शायद इसाक मेरे साथ ही बात करेंगे, मैं पिछले 3 मरतबा ग्वादर गया और मुझे 3 मास्टर प्लान लोगों ने दिखाए। अब पता नहीं कितने हो गए, मुझे पता नहीं तो जिस मुल्क में वहां के रहने वालों को ये पता ना हो कि उनकी आबादी जो उनके बाप दादाओं ने यहां बसाई थी वो कल का शिफ्ट होने वाली है, जिस मुल्क में उस बाईगीर को पता ना हो कि जो उसके उसका आबाई पेशा था वो अगले चंद सालों में रहेगा भी नहीं रहेगा, इस सारी जो सूरताल है इसको अगर हम अपने तौर पर गौर करते हैं, शायद आप लोग भी इसमें थोड़ी बहुत हमारी हेल्प मदद करोगे कि हमें उस सारी जद्दोजहद को और आगे कैसे अच्छी तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो इस मुल्क में हमने देखा कि कोई ऐसी पॉलिसी आई ही नहीं जिसके बुनियाद पर आप कोई बात कर सको। इस मुल्क में जो सियासी पार्टियां हैं, जो बड़ी बड़ी आवामी पार्टियां हैं, उनके पास शायद फुर्सत ही नहीं कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए कोई असेंबली में जाके पॉलिसियां बनाए। मैंने कराची में इंसानी हकूक और औरतों के हकूक के साथ बहुत कोई बचपन से काम किया, लेकिन जो लोग असेंबली में गए मैंने देखा कि उन्होंने औरतों के हकूक के लिए जब हुकूमत में थे तब भी कोई बिल पेश नहीं किया, इवन जो अपोजिशन में तब भी कोई करारदाद पेश नहीं की। मुझे मैं जब सोचता हूँ कि ये तो मेरे साथ सड़कों में नारे लगा दी थी, फिर मुझे एहसास होता है शायद हुक्मरानी का अपना एक मजा होता है या पार्टियों में जाके लोग बाउंड हो जाते हैं शायद बाउंडेड लेबर बन जाते हैं। अदी ने बात की पानी पानी के कमी की बात, एक बात करता हूं कि जहां कोई काम करने के नुकसान होते हैं वो फायदे भी होते हैं। सिंध में पानी ना होने के जो नुकसान आते हैं वो तो यकीन है बहुत से लोगों ने गिनाए होंगे। मैंने भी अभी जाके 22 मिलियन एकड़ जरई जमीन, यानी वो जमीन जिसके लिए शायरी लिखी जाती थी, वो समंदर बुर्द हो गई और आगे चलकर क्या होगा। लेकिन सागर में उसका एक छोटा सा फायदा ये हुआ कि पानी ना होने की वजह से जमीनें सूख गई, वडेरों ने अपने जो कैदी आ रही थे उनको रिहा कर दिया मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने मेरे को चुना, आपका सुना।